किस्से और कहानियों के जो मतलब सिलसिले शुरू हुए, तो आई रियली वुड लाइक टू वांट टू यू नो कंटिन्यू दैट एंड स्टार्ट विद समथिंग. अगर मैंने तो कहीं सुनी कहानियां जो है मम्मी पापा से मुझे सुना है, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग. प्रोफाइल माने ऐसे हो बेटा, कैसे हो? आई एम सो हेटेड एज अ किड. Then I remember mom giving me an idea. She said, "Jambi Sharma ke line aap baalon mein tel lagake bata." Tries to sit with lot of oil, and then he over two or three rounds he stopped kind of doing that to me. So lovely hearing these stories. And Tanuja sent me this book last month, and I ended up reading it. And actually, it took me back to my Nagpur days. I grew up there, and lots of amazing small town stories and you collected from my mom. Yeah. Actually, the whole family of writers from Kamna ji to Vikram to Tanuja to Anu to Nausuni. So I'm glad there are so many writers. So these stories get collected because आप ऐसे anecdotes तो हमेशा सुनते हो. आप जाओ अपने शहर में तो ये कहानियाँ सुनते हो. But these are like lot of observations of life जो पहुँचते नहीं. तो finally this book I actually found कि these are really great observations of life जो हमने सुने हैं. उसमें शायद कभी थोड़ा मसाला भी लगा दिया गया है, because everybody is a storyteller. So as they say, never let truth come in the way of a good story. So लगा के वो, so I was really happy hearing this all these stories and. पर कहानियों क्या होता है कि हर कहानियां पास होती है ना, जनरेशन से एक दूसरे जनरेशन पास होती है. तो वो लिखी तो ही नहीं आदमी सुना रहे हैं, फिर वर्बली किसी और ने किसको सुनाया, तो उसमें लगता ही जाता है. आई विल टेल स्टोरी अबाउट माय चाइल्डहुड. इवन स्कूल एंड यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल कॉलोनी कॉल्ड विजयनगर. तो हम लोग सारे बच्चे पैसे इकट्ठा करके एक फेयर कंडक्ट करते थे. तो वो फेयर में पंडाल मंगाया जाता था, कुछ टेबल कुर्सियाँ आती थी. तो जब हो जाता था तो रात को हमको रहना पड़ता था, सामान सुबह जाता था वापस. अब भी अब पंच ऑफ लाइक 8-10 किड्स, रात को सोते नहीं थे. अब क्या करें, मस्ती है. वी टू टेक दैट. एक साल मुझे याद है, मैंने वहाँ टेबल की जो व्हाइट चादरें थी वो उठाई, एंड वी वेंट एंड स्टूड ऑन अ रोड. कच्चा रास्ता था, ये भूत बन गया. एंड वी स्टूड देयर विद द इंटेंशन ऑफ स्केयरिंग पीपल. तो कोई एक आदमी जा रहा था साइकिल में, तो हमने ऐसे भूत बन के धीरे से रोड क्रॉस किया और वो यूटर्न मार के भाग गया वहाँ से. फिर कोई स्कूटर पे आ रहा था, दिस मस्ट बी 3-4 इन द मॉर्निंग. दूसरा भाग गया. थोड़ी देर बाद देयर वाज अ नर्स, देयर शुड बी हॉस्पिटल देयर. उसकी आई थिंक देयर वाज अ नर्स वाज डूइंग फॉर मॉर्निंग ड्यूटी. तो वो जा रही थी, उसका हस्बैंड उसके साथ था, उसको छोड़ने जा रहा था. अब दे मस्ट हैव बीन गोइंग दैट रोड एवरी डे, दे वर नॉट स्केयर्ड. भूत भूत कहाँ. तो आई रिमेम्बर मेरा फ्रेंड, उसने ऐसे चादर डाली और ऐसे ऐसे करके उसने क्रॉस किया. सो दैट गाय जस्ट लुक्ड एट हिम. उसको लगा ये डरा नहीं है. तो वो फिर आगे भागा, फिर से उसने रोड क्रॉस किया. ऐसे उसने फिर उसे एक लुक दिया, फिर इसने आवाजें करनी शुरू कर दी, उसको डराने की कोशिश की. दैट गाय गॉट इरिटेटेड एंड ही रैन बिहाइंड. सो इट वाज अ साइट टू वॉच कि भूत भाग रहा है, उसके पीछे एक आदमी उसको चेस कर रहा है. ही चेस्ड हिम टिल गाय जंप्ड हिज घर का दीवार और गायब हो गया. बट द स्टोरी बिगिंस नाउ कि दो दिन के बाद आई वॉज इन द हाउस और ठाकुर आंटी के मोमेंट शी वाज सिटिंग विद माय मॉम एंड शी इज टेलिंग माय मॉम, भाभी जी आपने सुना वो यहाँ एक लेडी का भूत स्पॉट हुआ है, रात को एक भूत आता है और कहानी कांड स्टार्ट होती है. एंड शी वाज सेइंग और भाभी जी उनकी टांग जो है ना उसकी वो उल्टी है. एंड आई वाज स्कैर्ड, आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड कि ये पता लग जाए कि हम लोगों ने किया रात को. एक हफ्ते बाद वाज अनदर आंटी who came and said, अभी जी पता है वो भूत स्पॉट हुआ, उसकी टांगे उल्टी है और उसकी शक्ल नहीं है, सिर्फ ऐसा पल्लो ऐसा आता है. So over weeks I could see the same story getting more interesting and more interesting. By the time I think it became कि वो एक लेडी थी जिसने कुछ सुसाइड किया था, वो उसकी आत्मा है जो भटक रही है. तो I think that's the great part of stories. Never let truth come in the way of it. You had told me a wonderful story.
story which I wanted to share about your father. That was a lovely story as well. Which one? The one when he, first of all, he saw a cycle for the first time after partition when he came to India. Yeah, but that came and yeah, he was 14 years old during partition when he came from a place called Nawabshah. हाँ तो साइकिल देखी नहीं थी उन्होंने तो स्टोरी क्या थी हाँ साइकिलें देखी नहीं थी वॉज वेरी अम्यूज एंड ही केम टू अ रेफ्यूजी कैंप विच वॉज नियर आगरा नियर फिरोजाबाद सो ही टोल्ड मी दैट यूज टू एक्चुअली साइकिल फ्रॉम फिरोजाबाद टिल आगरा टू वॉच अ फिल्म एंड नहीं 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 दूसरी कहानी सॉरी नो नो साइकिल actually, there's a story which we've used in a film. Yeah, if you remember Munna Bhai MBBS, उसमें जो सुनील दत्त साहब का पहला सीन है, वो ट्रेन से उतरते हैं और एक पिक पॉकेट उनका पैसे छुड़ा लेता है और फिर वो उसको पब्लिक से बात करके उसको छुड़ाते हैं. वो actually it got inspired from my dad's story. Again, I was very young and नागपुर बहुत छोटा शहर था उन दिनों में. तो my dad used to run a typewriting institute. And one gentleman came to his office and he said ki, and he started speaking in Sindhi, which is what my which was my mother tongue. So unhone kaha ki main Raipur se aaya hu aur meri kapde ki dukan mein main shopping ke liye aaya hu aur mere paise chori ho gaye, jeb kat gayi, to aap mujhe 2000 rupaye de dijiye, main jaake wapas kar dunga. He was a good looking guy and he seemed honest aur wo ek community feeling badi strong hua karti thi hum dono mein. यार यहाँ हमारी कम्युनिटी का आदमी है, डैड ने निकाल के 2000 रुपये दे दिए उसको, जो उन दिनों में अच्छी खासी रकम थी. शाम को हम लोग घर में बैठे थे तो मेरा एक बुआ का लड़का आया और ही स्टार्टेड सेइंग ही वाज अनॉयड. उसके बाद मेरे ऑफिस में आदमी आया, उसका जेब कट गई थी, रायपुर से वो लोग 2000 रुपये मांग रहा था. सो माई डैड डिस्कवर्ड कि ये तो ऑनेस्ट आदमी नहीं है, कुछ फ्रॉड करके मेरे पैसे लेके चला गया. सो फिर कुछ लोग को फोन लगाया तो पता लगा दो तीन लोगों के साथ किस्सा हुआ था. सो नाउ ही वाज नेवर द वन टू गिव अप. ही गॉट अप 5 इन द मॉर्निंग एंड इज और उन दिनों बड़ी कम रहने की जगह कुछ लॉजेस हुआ करते थे जहाँ रोज लोग रहा करते थे. तो ही डिसाइडेड टू गो टू एवरी लॉज एंड चेक कहीं तो मिलेगा. तो एक लॉज में गए, इस नाम का आदमी है, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने डिस्क्राइब करना शुरू किया. तो सेकेंड लॉज में उनको मिल गया उस डिस्क्रिप्शन का आदमी, राकेश मल्होत्रा इन्वेस्टिगेशन. So he caught him and got him home. अब घर आके उन्होंने उसको डांट लगाई कि ऐसा क्या क्या तुम समझते नहीं हो कि हमारी कम्युनिटी का नाम खराब होता है, आप ऐसा करोगे तो सारे लोग. अब पूरा लेक्चर तो दे दिया, उसने पैसे खर्चा कर दिए थे, पैसे मिलने नहीं थे. नाउ ही डिडंट नो व्हाट टू डू विद हिम. ही डिडंट वांट टू टेक हिम टू द पॉप्स. ही स्टिल दैट अटैचमेंट वाज देयर कि यार ये हमारे हम लोगों में से एक है. सो ही टुक हिम टू देयर यूज्ड टू बी अ बंच ऑफ एमिनेंट सिंधी पीपल, पंचायत कहा जाता था, सिंधी पंचायत. तो वो सारे लोग मिला करते थे संडे को सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो ही टुक हिम टू दैट मीटिंग एंड आई रिमेंबर एज अ किड गोइंग विद हिम. तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि इसने मेरे 2000 रुपये ले लिए हैं और मुझे पता नहीं कैसे इससे वापस लूँ, आप बताइए क्या करना है इसका. सो उसमें से कोई ट्रांसपोर्टर था उन लोगों में से, किसी का थिएटर था, किसी का. तो वन गाय गॉट अप एंड स्टार्टेड बैशिंग अप दिस थीफ, उसको मारने लगा. सो डैड स्टॉप्ड हिम एंड ही सेड कि देखिए मार तो मैं भी सकता हूँ इसको, और उससे सोल्यूशन कुछ नहीं मिला. आप समझाइए मुझे कि करना क्या है इसका, क्या करें हम लोग. तो इसे नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, इसको हमारे वाले कर दिया, देते हैं आगे नहीं स्टार्ट हिटिंग. सो डैड गॉट वेरी एंग्री, ही पुश दैट गाय अवे एंड ही टर्न टू द थीफ एंड ही टोल्ड हिम कि तू बड़े बेवकूफ चोर हो, ये देखो ये सारे जो लोग बैठे हैं ये सब चोर है. कोई इंश्योरेंस की चोरी करता है, कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है, कोई ये चोरी करता है. चोर बनना है तो ऐसे बनो, ऐसे बनोगे तो मारता चलोगे. देन ही टुक हिम बैक, वी वेंट टू द रेलवे स्टेशन, ही बॉट हिम अ टिकट. Ordinary people's stories just get lost along the way and they just never heard barely. Like, what a beautiful story of wisdom in your father's story. It was a lovely story. And it got recorded because you're a filmmaker, you know, otherwise it wouldn't have. So I think it's really important. First of all, I think that's why stories used to always be retold and told again and again. So that this
the culture of storytelling which teaches us so much continues and goes on, you know. So I think it's very important for us to continue to always tell stories and, you know, and chhat ka atmosphere, jo bhi, ab wo hai ki nahi hai, pata nahi hai, but movie se chhat ka sona bhi want lagta hai, aur lagta hai, taali gina karte hai. Got to know stars from that. Constellation. But what is interesting about your book is, though you told me that you've not really lived there, been brought up, but it's managed to capture the, okay, the smell, the essence of that place. And when you read that, I feel that I've lived that life. Meaning, of course, I'm not that old. Nanos has got extremely much people I arrived. But I could feel that period, I could feel those stories for a week. चोर को पकड़ क्यों नहीं सकते? इसे बेटा कहाँ मिलेगा? इसे पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस जाओ, पुलिस पकड़ेगी। And I think I must have really created havoc. So my cousin came home just to pass away. इसे बेटा चलते। He put me on the scooter and he took me to the police station. इसे देखो हम कंप्लेन लिखाते। मिल गया तो चलेंगे नहीं? So we were sitting there and there was this police officer.
उसको बताया उसने रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गया है. उसे अच्छा कितने पैसे थे, क्या था, लाइसेंस था, ये था. तो नॉर्मल कजन से उसमें 100-150 रुपए थे और दो टिकटें थी बॉबी फिल्म की. फिर सेट कौन सी थिएटर की, सेट सर्वर थिएटर की. अच्छा कितने बजे का शो, 6. आपको टिकट नंबर याद है, फिर सेट हाँ वो वॉट एवर नंबर मस्ट हैव बीन टोल्ड इन द नंबर. तो ये सेट अच्छा चलो ट्रस्ट मी वी वेंट टू द थिएटर. बॉबी फिल्म वॉज सो मच इन डिमांड, वो चोर बेचारा फिल्म देखने पहुंच गया था. And he got caught. I saw the film 15 minutes later, but I saw the film. बहुत प्यारी सी किताब लिखी है तनुजा चंद्रा ने, उन्होंने मुझे भेजी थी पढ़ने के लिए और मैंने पढ़ी और वो मुझे ले गई अपने बचपन के दिनों में. जो छोटी छोटी मोटी कहानियाँ जो आप अपने माँ बाप से, मामाओं से, बुआओं से, अपने परिवार से सुना करते थे, उस किस्म की ये कुछ उत्तर प्रदेश की कहानियाँ हैं. बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी है. तो आज उन्होंने बुक लॉन्च किया एंड आई थॉट शुड बी हियर. Storytelling. Yeah. Also, we heard your anecdotes. You were sharing about your childhood, yeah. And even Abhijat did the same. Should we believe that almost all these films that you guys have written have had a lot of personal touch, a lot of personal experiences being translated on screen? See, whatever you make, eventually has to come from something either you've experienced or you've read or you've seen. So, I think every creation is from your memories. So Abhijat and me specially choose to kind of pick up some memories, pick up some real life incident, and of course modify it. So yes, whatever Abhijat narrated or we've usually picked up from our lives and kind of modified it to suit the film. किताबों से आपका कितना? नहीं, किताबें तो जान होती हैं, किताबों से बड़ा लगाव है और तो सो नहीं सकता किताब के बिना. चाहे 10 मिनट ही पढ़ूँ रात को, अगर एक किताब तो पढ़नी पड़ती है. और मुझे थोड़ा लगता है कहीं कल्चर को ख़त्म होता जा रहा है आजकल, मगर आई थिंक बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड बुक्स आर द बेस्ट वे टू गेट नॉलेज, गेट स्टोरीज, गेट टू नो द वर्ल्ड. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन तनुजा मैम्स दिस बुक? हाँ, आई एज़ आई शी सेंड मी द बुक लास्ट मंथ एंड I read about, I think, 3 or 4 stories. I've been shooting, so I couldn't finish the book. But those 3 or 4 stories were so fascinating that I remember tweeting about it immediately. And that's how Tanuja called me, said, can you come and, you know, be here today. So it's a fantastic book. So by when are we wrapping the film up? I mean, is it over or? We've finished about 60% of the film is done. And we're starting a schedule now. So by mid-June, or even before, we would have done most of it. There's one schedule left in New York then.
सर जिस तरह से फिल्म में होमलेस वर्स क्रिएट किया है रिलीज होने से पहले, आपको क्या लगता है आपकी कितनी उम्मीद है पिक्चर्स वर आउट एंड दे लुक फैबुलस? अरे वो बड़ा वो आउट होनी नहीं चाहिए थी वो पिक्चर्स, बट हम लोग काटर रोड पे शूट कर रहे थे, आप लोगों ने किसी ने एक फोटो लेके डाल दिया, पर आई एम वेरी हैप्पी, बड़ी खुशी से बन रही है फिल्म, और जब फिल्म खुशी से बनती है तो अच्छी बनती है, और वो कहानी कमाल की है तो मज़ा आ रहा है बनाने में, और रणबीर आई थिंक नहीं टाइटल अभी तक लॉक नहीं हुआ है, बट हो जाएगा फाइनली होगा। नहीं देखिए बुक प्ले और फिल्में ये तीन अलग किस्म की राइटिंग है। बुक में आप बहुत एक लाइन में आप कुछ बोल सकते हो कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, हो गया, व्यूअर ने बिलीव कर लिया। सिनेमा में आपको उसके लिए एक स्टोरी बनानी पड़ती है, किसका बटुआ गिर गया उसने उठा के लौटाया, तब आपको समझ में आता है कि कैरेक्टर उठ के नहीं बोल सकता ईमानदार आदमी, बोरिंग हो जाता है। तो तीनों अलग किस्म की राइटिंग है, पर तीनों एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, कई बार आप प्ले से फिल्में बनाते हो, कई बार लोग फिल्मों के प्ले बनाते हो, कभी आप बुक से फिल्में बनाते हो प्ले करते हो, तो कंटेंट तो होता है मगर फॉर्मेट्स अलग हैं सबके। मैं क्या बोल रहा हूँ।